आज हम जा रहे हैं स्वयंभू टेम्पल, यहाँ से हम टिकट्स लेंगे फिर अंदर जाएंगे। Then Papa will drop the coin. This is a wastage of money. So friends, Swayambhu means self-born and self-manifested. And this stupa is the oldest of its kind in Nepal. And it was built by King Manadeva. And by 13th century, it had become an important center of Buddhism. Yes. Chaliye aage dekhte hain. ये नेपाल की फेमस माला है ना, कुछ बोलते हैं इसका नाम है? मंगलसूत्र है। अच्छा ये मंगलसूत्र है। अच्छा अच्छा ओके, फिर तो यहाँ का एक मंगलसूत्र लेना ही पड़ेगा। चलो देखती हूँ आगे भी। तो भाई 365 स्टेप्स चढ़ के थोड़ी बहुत जान निकल गई है तो कोकोनट वाटर तो बनता ही है। मीठा चलो लेट्स गो। चलें, गर्मी बड़ी है अभी। बेटा भी कितने का प्राइस? हाँ, so more than 2000 years ago this temple was evolved spontaneously when the valley was created out of a primordial lake. apne aap hi prakat ho gaya tha matlab ye temple. angrezon ne is mandir ka naam monkey temple bhi rakha hai kyunki here you will see so many monkeys, all are holy monkeys. abhiraj to bahut dar gaya, bahut dara rahe the abhiraj ko. अभिराज आइसक्रीम खा रहा था, अभिराज ने आइसक्रीम फेंक के वो मंकीज आइसक्रीम खाने लग गए। फिर तो अभिराज डरा हुआ है इस टेंपल में, मतलब अभिराज के साथ साथ थोड़ी मैं भी डरी हुई। मुझे डर है कि मेरा तो ये नया नया जो फ़ोन है ना, यही खींच के ना ले जाए तो हो जाएगा काम मेरा, स्वयंभू में स्वयंभू हो जाना है। कहना ये भी है कि स्वयंभू वॉज बॉर्न आउट ऑफ अ लोटस फ्लावर दैट ब्लूम्ड इन द मिडल ऑफ अ लेक दैट वंस स्प्रेड अक्रॉस द काठमांडू वैली। So this Swayambhu stupa is one of the biggest stupas on the planet, estimating nearly 100 meters in width and 40 meters in height. Yes. मंदिर बहुत ही बड़ा है और इस मंदिर के अंदर ही बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, तो समझ लीजिए अराउंड 3 to 4 आवर्स लगेंगे इस फुल टेम्पल को कवर करने के लिए। तो बस चलते जाओ, घूमते जाओ। अब हम दिखाएंगे आपको काठमांडू का ऊपर की, वो बंदर आ गया, बंदर से मुझे डर लग रहा है। हाँ, अब हम दिखाएंगे आपको काठमांडू का टॉप व्यू। टॉप तो पेश आपके सामने पैनोरामिक व्यू ऑफ काठमांडू। ये एक्चुअली आप आईफिल टावर के टॉप से देखोगे तो भी पेरिस ऑलमोस्ट ऐसी सिटी दिखती है, और बुर्ज खलीफा से देखोगे तो दुबई भी सेम दिखता है। तो ऑलमोस्ट टॉप व्यू जो होते हैं ना, सबके सेम ही होते हैं। यो यो, चलो बाय बाय स्वयंभू टेम्पल, शॉपिंग ऑल डन। पेंटिंग्स आर लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है माउंटेन्स के एग्जैक्ट पिक्चर है, मतलब माउंटेन्स से भी ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। एक तो लेनी बनती है। पापा जी लड्डू को समझा रहे, बड़े डरने की जरूरत नहीं है, मंकीज ये कुछ नहीं कहेंगे, तो आराम से एंजॉय कर, डर मत, बढ़ता जा चलता जा। पर उसको बहुत डर लग रहा है और मुझे भी डर लग रहा है वैसे। भैया वो गया, भैया को आवाज दे। रेड टी शर्ट, वो रेड टी शर्ट वाले भैया की ना पॉकेट से उन्होंने हैंकी निकाला तो एक आईडी कार्ड मिल गया, तो वो देने चला रहा है। ये अच्छा लग रहा है कि ग्रीन कलर है, ग्रीन है। सही प्राइस लगा लो भैया, ज्यादा नहीं बताया मैडम। बाय बाय, अब हम जा रहे हैं वापस सेकंड स्तूपा पे। अभिराज का मूड नहीं है, अभिराज जा रहा है घर। तो लड्डू को हमने कर दिया है होटल में ड्रॉप और कर लिया है मान्या को पिक, बिकॉज मान्या वांटेड लंच इन दिस ओआर2 के रेस्टोरेंट। शी हैज़ रेड समवेयर दैट दिस रेस्टोरेंट इज ऑसम। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर लंच के लिए, नेपाली थाली के लिए, यहाँ का पिज्ज़ा सैंडविच वॉट एवर, लेट्स सी द मेन्यू। तो देखिए यहाँ बैठ, यहाँ अच्छा लग रहा है।
दिस इज सो क्यूट, कितना क्यूट वाटर टैप है, मजा आ गया देख के. सो पेट पोछा डन, अब थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए, जहाँ पे जाओ शॉपिंग की शॉपिंग है. ओहो अंग्रेज भी बार्गेनिंग करते हैं हमारी तरह, मुझे लगा कि हम ही लोग बार्गेनिंग करते हैं. ये पूरी मार्केट है पीछे देखो, यहाँ हम घूम रहे हैं शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग. ये देखो ये रेस्टोरेंट, हाँ माने को मन तो था. So this Thamil market is known as one of the biggest shopping markets of Kathmandu city. You will find multiple branded and local outlets providing stuffs in western as well as antique Nepali styles. वैसे मुझे यहाँ की मार्केट देखकर ना सरोजनी और जनपद की याद आ रही है, और ये जो नेकलेस है मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक तो पक्का लेके जाऊँगी. माँ ने अपने फ्रेंड्स के लिए ब्रेसलेट देख रही है. चलो यार अब सब घर चलते हैं, आई एम वेरी टायर्ड, और रेस्ट भी करे, पूरे दिन घूमे पे घूमे ही जा रहे हैं. देखिए अगर आप नेपाल आए और नेपाली मोमोज आपने ट्राई नहीं किया और नेपाली थाली ट्राई नहीं करी तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया. नेपाली थाली, वेजिटेरियन थाली इज हार्टी, कंफर्टिंग, एब्सोल्युटली डिलीशियस आई टेल यू. उसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, दाल भात, तरकारी, साग, अचार, सर्व विद राइस एंड योगर्ट. तो ये ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी है. यस वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टैचू, दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी क्यूट. यहाँ पर रेस्टोरेंट सारे बहुत ही कैफेज बहुत क्यूट क्यूट बना रखे हैं, अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छे लगता है बैठने में, यू कैन स्पेंड टाइम नाइसली.